आदाब नाजरीन, में आपका मेहबान बाओसिम। जैसा कि आप देख रहे हो, कई दिनों से हमें गुंडी शाद से काले मसूल हो रही थी कि ये कह रहे थे कि हमें 21 साल हो गए इस पुल को। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन लोगों की कि इनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हो कि ये जो पुल्स है ये 21 साल से तमीर हो रहा है, मगर अभी तक एक साइड से तो थिएटर कम्प्लीट कर दिया है, मगर दूसरी साइड से नामो निशान नहीं है। हम यहाँ के लोकल से पूछना चाहेंगे, आखिर आपको क्या क्या मुश्किल हो रही है? इसका काम लगा, इसके लिए बहुत जदोजहद की गांव वालों ने, द्रगड़ वालों ने, गुंडी गुजरा वालों ने। ये तकरीबन 5000 आबादी पे ये पुल मुश्तमिल है। इसके लिए बहुत सारी कोशिश करके ये पुल को मंजूरी दी है। जब इसका काम लगा तो इस एक साइड से इसका एक कंपार्टमेंट तैयार हो गया और दूसरी साइड से नाले से तकरीबन 2 फुट ज़मीन से वो निकाला गया है, वो दूसरा कंपार्टमेंट भी। फिर अचानक इसका काम बंद हो गया, कहने लगे कि अब फंडस नहीं है। तो एक दो साल फंडस का इंतज़ार करते रहे। फिर बाद में जब एमरजेंसी पूछा गया तो उसने बोला कि इसका स्कीम हमने क्लोज कर दिया। हमें नहीं समझ आ रही है कि गवर्नमेंट ने 10-20 लाख रुपया लगा के फिर उस स्कीम को कैसे क्लोज किया और लोगों की प्रॉब्लम जो है यूं की तू ही वहाँ खड़ी रही। कितना टाइम हो गया इस पुल को? इसको लगभग 21 साल हो गए हैं, 2004-05 से लेकर 2021 तक लगभग 15-16 साल हो गए इस पुल को। इसी तरह इसका ये चलता रहा। इसी तरह आज तक इसके बारे में कई मीडिया से भी गुजारिश की गई और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की गई, ऑनरेबल मिनिस्टरों से भी गुजारिश की गई, लेकिन इसका कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं आया। असल बात यह है कि आज तक इसकी करप्शन, जो आज तक हमें ये पता चलता है, हम सेवा लोग ये महसूस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पहले करप्ट थी, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब हमने सुना है कि नया गवर्नर साहब आया है, वो तो बहुत काबिल हैं और उनने रिश्वत का नामो निशान ख़त्म कर दिया है। अब हमें अब गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि उन रिश्वत खोरों को एक साइड से दफ़ा करके इस पोल का फौरी तौर इसका काम लगाया जाए। 21 साल लग जाता है एक नौजवान को, एक बच्चे को जवान होते हुए। तो जैसा कि आप जानते हो कि 21 साल लग जाता है एक बच्चे को जवान होते हुए, तो 21 साल से ये पुल अभी तक तामीर नहीं हुआ। यहाँ के लोकलों का यही कहना है कि हमें जल्द से जल्द इस पुल के ऊपर गवर्नमेंट का कोई रद्द अमल नज़र आना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है इसको हल करना चाहिए। बाओ वसीम, CNS।